हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉ टेबल फीचर क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉ टेबल फीचर होता क्या है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पर टेबल है। अब मान लीजिए कि इस टेबल में किसी सेल के अंदर, सपोज इस सेल के अंदर हमें तीन अलग अलग खाने बनाने हैं, या इस सेल को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, या आपको एक क्रॉस लाइन बनानी है, तो इन सब चीजों के लिए आपको ड्रॉ टेबल फीचर का इस्तेमाल करना होगा और ये उससे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये होता कहाँ है, तो उसके लिए देखिए, या तो आप टेबल के बीच में कहीं क्लिक कर दीजिए, या टेबल यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस सेल में हमको क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए आप कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता दिखाई पड़ रहा है। जब क्लिक करेंगे टेबल के बीच में, कहीं पर भी आप क्लिक करिए, तो आपको ऊपर दो नए टैब दिखाई पड़ेंगे, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। तो हमको जाना है टेबल लेआउट पे। तो जब आप टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमको जाना है और ये देखिए, ये है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए पेन साइन बन करके आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको तीन अलग अलग खाने बनाने हैं, तो बस सिंपल यहाँ से इसे पकड़िए और नीचे की तरफ यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए पहला खाना बन गया, उसी तरीके से दूसरा बना दीजिए, उसी तरीके से तीसरा बना दीजिए। मतलब अपने हिसाब से अलग अलग विड्थ की या अलग अलग मतलब डिस्टेंस पे आप अलग अलग ये लाइंस बना सकते हैं। अब ये तो देखिए हो गई वर्टिकल। अब मान लीजिए क्रॉस बनाना है, तो बस यहाँ कोने पे पकड़ा हमने और ये देखिए डायगोनल बन गया, मतलब क्रॉस लाइन बन गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया, तो ये देखिए क्रॉस लाइन बन गई। इस तरीके से अलग अलग तरीके से कहीं पर भी आप लाइन बना सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया है। अब मान लीजिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ टेबल फीचर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है।